हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंपल चॉकलेट केक, वो भी मैट इफेक्ट डिजाइन के साथ। चलिए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने दही का यूज करके बनाया हुआ चॉकलेट केक स्पॉन्ज लिया है। ये 1/2 kg का है। केक स्पॉन्ज के ऊपर छोटा सा डोम था, उसे मैंने कट करके लिया है। अब इस केक स्पॉन्ज को हमें 3 लेयर में कट करके लेना है। ये हो गया फर्स्ट लेयर। इसी तरह हमें सेकेंड लेयर भी कट करना है। केक के लेयर्स प्रॉपर कैसे कट करना है ये आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। तो ये सेकेंड लेयर भी एकदम फिनिशिंग के साथ कट हो गया है। अब यहाँ पे ये मैंने केक स्पॉन्ज के साइज का ही केक बोर्ड लिया है। ये क्यों लिया है वो आपको आगे पता चलेगा। अब इसके ऊपर मैं केक का फर्स्ट लेयर रख रही हूँ। इसे अब मैं सिंपल वाटर से सोक कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये मैंने चॉकलेट घनाश रेडी करके लिया है। इसे प्रॉपर कैसे बनाना है इसका रेसिपी मैंने डाला हुआ है, और विप क्रीम भी मैंने फेट के रेडी करके ली है। उसके अंदर मैं ये घनाश ऐड कर रही हूँ। घनाश को विप क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करना है, तो ये हमारा केक का फिलिंग रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा केक का फिलिंग रेडी हो गया है, उसे हमें इस लेयर के ऊपर डालना है और पैलेट नाइफ से इवनली हमें इसे ऐसे स्प्रेड करना है। स्टार्टिंग में मैंने केक को सेम केक साइज के बोर्ड के ऊपर रखा था। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा केक बोर्ड लिया है। जो चॉकलेट घनाश मैंने विप क्रीम के अंदर ऐड किया था फिलिंग बनाते समय, वही चॉकलेट घनाश मैंने इस लेयर के ऊपर डाला है। उसे हमें ऐसे पैलेट नाइफ से स्प्रेड करना है। आप इसके ऊपर चॉको चिप्स भी डाल सकते हो। अब हमें इसके ऊपर रखना है सेकेंड लेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा केक थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। ऐसा एक्सीडेंटली कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इस लेयर को भी हमें अच्छे से सोक करना है। अब इसके ऊपर आएगा रेडी फिलिंग का लेयर। जैसे जैसे हमारे केक के लेयर्स कंप्लीट होते हैं, वैसे वैसे साइड का जो एक्स्ट्रा क्रीम है उससे हमें साइड के जो गैप्स है वो फिल करने हैं। अब इस सेकेंड लेयर के ऊपर भी मैंने क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। फिर से इसके ऊपर डालना है हमें चॉकलेट घनाश। घनाश को भी अच्छे से इवनली स्प्रेड करना है। अब सबसे ऊपर रखना है केक का लास्ट लेयर। जो बटर पेपर है उसे हमें निकालना है। इसे भी अच्छे से सोक करना है। जो मैंने केक के लिए फिलिंग रेडी किया था उसके अंदर और थोड़ी विप क्रीम ऐड कर दी है मैंने, और उससे मैं अब ये केक को कवर कर रही हूँ। इस क्रीम को हमें साइड में करते हुए ऐसे हमें इवनली इसे केक के ऊपर स्प्रेड करना है। साइड से भी हमें इस केक को अब पूरा कवर करना है। केक के साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा क्रीम लगा के केक को पूरा कवर कर दिया है। अब स्क्रैपर को थोड़ा सा ओपन पकड़ के टर्निंग टेबल को स्क्रैपर की तरफ हमें टर्न करके इस क्रीम को हमें फिनिशिंग देना है। अब केक के ऊपर की जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हमें पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ पुश करते हुए केक को हमें ऊपर से भी अच्छे से फिनिशिंग देना है। अब केक बोर्ड के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसे मैं क्लीन करके ले रही हूँ। ये केक अब आइसिंग करके रेडी है। मैट इफेक्ट के लिए हमें केक पूरा चिल्ड चाहिए। इसके लिए इस केक को हमें कंपलसरी 1/2 से 1 घंटा फ्रिज में रखना है। इस केक को मैंने 1/2 घंटा फ्रिज में रखा था, ये अब पूरा चिल्ड है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट के ऊपर जाली रखा है, उसके ऊपर मैं इस केक को अब शिफ्ट कर रही हूँ। शुरू में केक के नीचे मैंने केक के साइज का केक बोर्ड रखा था, उसके वजह से इस केक को जाली के ऊपर शिफ्ट करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पे ये मैंने 240 ml के कप से डार्क चॉकलेट कंपाउंड 1/2 कप मेल्ट करके लिया है। चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है ये आप मेरे ब्लैक फॉरेस्ट केक के वीडियो में देख सकते हो। इसके अंदर अब हमें ऐड करना है 1/4 कप में थोड़ा सा कम ऑयल। ऑयल हमें कौन से भी फ्लेवर या स्मेल वाला नहीं यूज करना है। ऑयल की जगह पे आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑयल से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। इसके लिए यहाँ पे मैं ऑयल यूज कर रही हूँ। ये मेजरमेंट आपको ग्राम्स में लेना है, तो 200 ग्राम अगर आपने चॉकलेट लिया है तो आपको 50 ग्राम ऑयल लेना है। अब हमने जो मेल्टेड चॉकलेट और ऑयल मिक्स करके लिया है उसे हमें इस चिल्ड केक के ऊपर पोर करना है। इस चॉकलेट सॉस को हमें अच्छे से इस केक के ऊपर पोर करना है। हमें इसे स्प्रेड करने के लिए बिल्कुल भी पैलेट नाइफ का यूज़ नहीं करना है। इस केक के ऊपर पूरा चॉकलेट सॉस डाल के मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। आप देख सकते हो इसे कितनी मस्त शाइन आई है।
अब इस केक को हमें कंपलसरी आधा से एक घंटा फ्रिज में सेट करना है मैट इफेक्ट देने से पहले। अब इस केक को मैं आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट करती हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ। अब इस केक को हम मैट इफेक्ट देंगे। ये केक अब आधा घंटा फ्रिज में अच्छे से सेट हो गया है। केक को मैट इफेक्ट देने के लिए हमें लगने वाला है वैनिला कोल्ड ग्लेस। एक बाउल में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून वैनिला कोल्ड ग्लेस। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून पानी। आपका वैनिला कोल्ड ग्लेस अगर बहुत ठीक है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। पानी और वैनिला कोल्ड ग्लेस को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर आपको जो भी कलर चाहिए वो ऐड करना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रेडियंट पिंक कलर। इसके लिए आप जेल कलर या लिक्विड कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। मैट इफेक्ट देने के लिए हमें एक छोटा सा स्प्रे बॉटल लगने वाला है। ये मार्केट में 10-20 रुपीज़ में मिल जाता है। इसके अंदर मैंने जो रेडी कलर हमने बना के रखा था वो फिल किया है। अब थोड़ा डिस्टेंस रख के हमें ये केक के ऊपर ऐसे स्प्रे करना है। इस तरह हमें ये पूरे केक के ऊपर ऐसे स्प्रे करना है। देखिए इस केक में कितना मस्त मैट का टेक्सचर आया है। केक के ऊपर हमने स्प्रे किया है वो फ्रिज में रखने के बाद अच्छे से सेट होता है। केक को हम और थोड़ा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम के अंदर येलो कलर डाल के रेडी करके लिया है। अब हम एक रोज़ फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे ये मैं R11 नोजल यूज़ कर रही हूँ। रोज़ नेल के ऊपर छोटा सा बेस बना के उसके ऊपर हमें ऐसे पेटल्स बनाते हुए ये फ्लावर कंप्लीट करना है। हमें जितना बड़ा फ्लावर चाहिए उतने हमें पेटल्स बनाते जाना है। इसी तरह एक पेटल के पीछे से दूसरा पेटल स्टार्ट करते हुए ये फ्लावर हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक रोज़ फ्लावर बनाया है। अब इसके ऊपर मैं ये येलो कलर डस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड लाने के लिए। डस्ट कलर की बॉटल को हमें थोड़ी डिस्टेंस में पकड़ के इस तरह इस फ्लावर के ऊपर हमें ये कलर को डस्ट करना है। केक के ऊपर जहाँ भी हमें फ्लावर को प्लेस करना है वहाँ पर हमें ऐसे छोटा सा बेस बनाना है क्रीम का और उसके ऊपर हमें धीरे से इस फ्लावर को प्लेस करना है। इसी तरह और एक रोज़ फ्लावर में बना के रेडी करती हूँ। मैंने और एक सेम रोज़ फ्लावर रेडी करके केक के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब हम पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास येलो कलर बचा था उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। मुझे पेटल्स में डार्क कलर चाहिए इसके लिए वही सेम कलर मैं पाइपिंग बैग के अंदर डाल रही हूँ। इसे हमें हाथ से ऐसे स्प्रेड करना है और इसके अंदर अब हमें हमने जो ये क्रीम रेडी करके ली है वो फिल करनी है। अब इस पाइपिंग बैग को हमें वी शेप में कट करना है यानी कि उल्टा वी कट करना है। अब हम इसे पेटल्स बनाएंगे। जहाँ पे हमें पेटल्स बनाने हैं वहाँ पे पाइपिंग बैग को पकड़ के थोड़ा सा हाथ को शेक करके हमें इसे पीछे खींचना है। तो इस तरह ये हमारे बहुत ही सुंदर ऐसे पेटल्स रेडी हो गए हैं। अब मेरे पास जो फ्लावर का क्रीम बचा था उसको मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर डाला है और यहाँ पे ये मैं N1 नोजल यूज़ कर रही हूँ। उससे जस्ट हमें ऐसे पकड़ के प्रेस करना है और ये सिंपल हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल लेकिन बहुत ब्यूटीफुल ऐसा ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये हमारा ब्यूटीफुल मैट इफेक्ट केक रेडी है। तो है ना बहुत आसान ये केक। तो ये केक आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही केक के अलग अलग डिज़ाइंस फ्लेवर्स और अलग अलग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।